हाँ जी दोस्तों, तुहाड़ा सारयां दा अपने चैनल ते स्वागत कीता जांदा है अमन स्टडी टिप्स ते। हुण आपां लैके आए तुहाडे लई क्लास 8th दा PSC बोर्ड दा जिहड़ा तुहाडा टर्म 2 दा एग्जाम होना है उस लई वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अज दी वीडियो विच आपां तुहानूं क्वेश्चन करावांगे फुल सॉल्वड। अज आपां तुहाडे लई सैंपल पेपर लैके हाज़र होए हां। हाँ जी मित्रो, अज दी वीडियो विच आपां तुहानूं 8वीं जमात दे विद्यार्थियों लई वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन करावांगे। इस विचों तुहाडे पेपर विच कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, इस करके ध्यान नाल वीडियो एंड तक देखते रहना। सारे प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ लेना ते आपां तुहानूं सारे प्रश्न पढ़ के दिखावांगे किस तरह जिहड़े तुहाडे पेपर विच प्रश्न आणगे। ते अज आपां तुहाडे लई सॉल्वड फुल सॉल्वड पेपर है, तुहाडा एक सैंपल पेपर है, तुहाडा रीयल पेपर नहीं हैगा, तुहानूं पहले ही दस दिंदे आपां। इस विच देखो तुसीं तुहाडा पेपर आवेगा टोटल 50 नंबरों का, तुहानूं टाइम होगा 2 घंटिया का। क्लास देख सकते हो तुसीं 8वीं फुल सॉल्वड सैंपल पेपर है। तो हाँ जी मित्रों, ज़्यादा समा ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अज की वीडियो। जे तुसीं अपने चैनल पर नवे आए हो चैनल में कर लो सबसक्राइब और नाल लगे घंटी में भी जरूर ऑन कर दिओ ताकि अपनी वीडियो की नोटिफिकेशन सब तो पहले तुहाडे तक पहुँच जाए। तो आपां नूं कमेंट करके जरूर दसना जे तुहानूं कोई होर क्लास का ते 8वीं का जो कोई तुहानूं होर पेपर चाहिए जल्दी तो आप भी तुहाडे लई लैके आवांगे अपने चैनल पर। तुहानूं 8वीं जमात के सारे पेपर मिल जाएंगे, बस आप जब तुहाडा पेपर होगा फिर कमेंट कर दिया करो, आप तुहाडे लई लैके आ जाएंगे। तो चलो फिर शुरू कर दें अज की वीडियो ज़्यादा समा ना बर्बाद करते हुए। हाँ जी मित्रों, दे सकते हो पहला अपने लगे आजूगा, देखो नोट दिता हुआ इन्होंने, सुंदर लिखाई 2 अंक हो गए, सुंदर लिखाई 2 अंक दिए जाएंगे तुहानूं। अते पहला प्रश्न अपने लगे आ जाता, पैरे विचों सही विकल्प चुन के उत्तर दिओ। एक पैरा दिता हुआ तुहानूं, जो तुहाने पढ़ना पढ़ सकते हो, इस विचों तुहानूं प्रश्न पूछे हुए ने, आपां तुहानूं दिखा देने किस तरह के प्रश्न ने। ध्यान चंद किहड़े स्थान ते खेडदा सी, इसका उत्तर दिता हुआ ध्यान चंद सेंटर फारवर्ड खेडदा सी। दूजा प्रश्न हैगा, किहड़ा खिडारी तेज तरार ते बिजली वर्गी रफ्तार वाला नहीं सी। इसका उत्तर है ध्यान चंद तेज तरार ते बिजली वर्गी रफ्तार वाला खिडारी नहीं सी। अगला प्रश्न है, ध्यान चंद अनुसार सब तो वधिया झकानी की सी। इसका उत्तर है ध्यान चंद अनुसार अपने दूसरे खिडारी नूं पास देना ही सब तो वधिया झकानी सी। ते अगला प्रश्न चौथा, ध्यान चंद दा कद किहो जिहा सी। इसका उत्तर है ध्यान चंद दा कद दरम्याना जिहा सी। ते अगला पंजवां प्रश्न है, ध्यान चंद किहड़ी बोली विच खिडारियां नूं समझाउंदा सी। इहदा उत्तर हैगा ध्यान चंद गूढ़ी हिंदुस्तानी विच खिडारियां नूं समझाउंदा हुंदा सी। ते हाँ जी मित्रों, अगे अपन लवे दूजा प्रश्न आ जांदा है, पैरे विचों सही विकल्प चुन के उत्तर दिओ। ये भी तुहाडा 5 नंबरां दा है। इस विच तुहाडा पैरा आजूगा जिवें कि पहलां आपां ने दिखाया तुहानूं, पैरा तुहाडे पे चैप्टरां विचों भी आ सकदा है। इस विच प्रश्न आ जांदा अपन लवे जिवें कि पुष्पा गुजराल साइंस सिटी किथे बनिया है। इहदा उत्तर हैगा जलंधर कपूरथला सड़क ते पुष्पा गुजराल साइंस सिटी बनिया होया है। दूजा प्रश्न हैगा, पुष्पा गुजराल साइंस सिटी किन्ने एकड़ जमीन विच बनिया है। इहदा उत्तर हैगा पुष्पा गुजराल साइंस सिटी 72 एकड़ जमीन विच बनिया होया है। तीजा उत्तर हैगा प्रश्न अपने लवे, साइंस सिटी का नींह पद्धर कदों रखे गया सी। इहदा उत्तर हैगा साइंस सिटी का नींह पद्धर 17 अक्टूबर 1997 ईस्वी विच रखा गया सी। ते अगला प्रश्न है, साइंस सिटी आम लोगों लई कदों खोलिया गया। साइंस सिटी 19 मार्च 2005 ईस्वी नूं आम लोगों लई खोल दिता गया। अगला प्रश्न पंजवां, पुष्पा गुजराल श्री इंद्र कुमार गुजराल दी की लगदी सी। इहदा उत्तर हैगा श्रीमती पुष्पा गुजराल श्री इंद्र कुमार गुजराल दे माता जी सन लगदे सन। तो हाँ जी मित्रों, अगले अपने तीजा प्रश्न आ जाता है, कावी टोटे दे भाव अर्थ लिखो, कोई तीन कोई एक करो। दो तुहानूं तुहाडी कोई भी कविता विच तुहानूं टोटे आणगे, जिवें कि देख सकते हो इस तरह के आणगे, टोटे जिगर दे सामने करन टोटे, मावां डकरे झोली पाउंदियां ने। इस तरह के प्रश्न आणगे तुहानूं, पहलां तुहाडे लई देखो इस तरह के कविता भाग जी आ जाणगे। इस विच तुहानूं भाव अर्थ इस दे अर्थ लिखना है, सिंपल लैंग्वेज अर्थ लिखना तुहाने। इहदा आपां तुहानूं पहले एक का अर्थ दिखा देने किस तरह तुहाने लिखने ने सारिआं दे, जिवें कि मीर मनू वर्गियां हुकम हाकमां ने अपनी दहशत फैलाउण लई सिखां मावां दे सामने उहनां दे बच्चिआं दे डकरे करके उहनां दीआं झोलियां विच पाए। उहनां दे सामने उहनां दे बच्चिआं नूं जमीन तों उच्चा सुट के नेजिआं नाल बोच बोच के मारिआ। ये सब
कुछ वेख के सिखा मावां घबराइयां नहीं, ना ही इस तरह सिखी खत्म हुई सगों यह वधदी गई। इस तरह तुहाने सिंपल लैंग्वेज इस विषय नूं करके लिखना। तो अगे अपन लवे चौथा प्रश्न आजूगा, कोई तीन शब्दों के मुहावरियां के वाकों नूं विच वरतो। इस विच तुहानूं जिवें कि शब्द दित्ते होणगे इन्हां नूं तुहाडे वाकों विच लिखना गा, यानी कि कहानी जिवें कि पहला शब्द हैगा मैनूं सांझी माँ कहानी बहुत चंगी लगती है। दूजा हैगा जल थल, वधेरे मीह पै जाण कारण जल थल हो गया। इस तरह के आ जाएंगे, ठीक है। इन्हां विचों कोई भी आ सकदा, इस करके ध्यान नाल सारयां नूं इक वार पढ़ लेना। तो अगे पंजवां प्रश्न अपने भी आजूगा, हेठ लिखे प्रश्नों विच पंज प्रश्न करो। हेठ लिखे प्रश्नों विचों पंज प्रश्न करो, ये आपां तुहानूं दिखा दिंदे आ। तुहाडे जिहड़े पाठ ने उन्हां पाठां विचों आणगे ये प्रश्न। प्रश्न उड़ा हैगा, साडा राष्ट्रीय गीत किहड़ा है अते इसका लेखक कौन है। ये उत्तर हैगा, साडा राष्ट्रीय गीत जनगण मन है, इस दे लेखक रविंद्र नाथ टैगोर हन। ते अगला प्रश्न हैगा, लोहड़ी का त्यौहार कदों ते क्यों मनाया जाता है। ये उत्तर हैगा, लोहड़ी का त्यौहार पोह दे महीने की आखिरी रात नूं धूमधाम नाल मनाया जाता है। कहा जाता है कि लोहड़ी का त्यौहार धरती ते आए नवें जी पुत्तर की खुशी नूं समाज नाल सांझी करन लई प्रचलित होया। अज कल समाज विच अगां वधू सोच रखण वाले लोग पुत्तर या धी दोहां दी ही लोहड़ी मनाउंदे हन। ते अगला तीजा प्रश्न हैगा, लेखक नूं ते हाँ जी मित्र होना पल्लवे तीजा प्रश्न आ जाता, लेखक नूं 30-35 वरे पहला भूआ दीआं कीहड़ियां गल्लां याद सन। इहदा उत्तर हैगा, लेखक नूं 30-35 वरे पहला भूआ दीआं गल्लां अज वी सुपने वांग याद हन। छोटे हुंदिआं उस दी भूआ उस नूं उंगली लगा के प्यार पुचकार के स्कूल छड्डण चली जांदी सी, अते ओह अद्धी छुट्टी समें ओह उस लई मलाई वाले दुध दा कोल ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਖਕ ਨੇ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖੁਰ ਹੇਠੋਂ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਤੱਕ ਚਿੱਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੂੰਛ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਛੇਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੱਕਾ, ਲਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਲਤਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਘਰ ਸਵਾਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੱਤਵਾਂ, ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਿਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਗੱਗਾ ਮਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਣਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਬੱਲੀਆਂ ਗੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਬਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਹੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੰਜਾ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਣੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਛੇਵਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੋ। ਲੇਖ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਲਵੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਲੋਹੜੀ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਭਹਾਨੀ, ਅੱਖੀਂ, ਟਿੱਠਾ, ਮੈਚ, ਦਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਗਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਰਾ ਲੇਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੇਖ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭਹਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਬਿਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ ਲਿਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਲਿਖ ਦੇਣਾ,
फिर सरकारी गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल जिहड़ा तुहाडा स्कूल है अगे भी जिहड़ा दिता होया पठानकोट श्रीमती जी इस तरह लिख देना ते अगे पत्र शुरू करन विच ऐ लिखना बेनती है कि मैं अपने स्कूल की अठवीं क्लास में पढ़ता हाँ। पहले अपनी क्लास दसनी है। पिछले हफ्ते अंग्रेजी के अध्यापक ने एक टैसट लिया सी अते मैं किसी कारण स्कूल विच उस दिन ना आ सकिया अते ना यह टैसट दे सकिया। अंग्रेजी के अध्यापक ने मैनू 50 रुपए जुर्माना कर दिता है। मेरे पिता जी एक गरीब आदमी सी, ओह मेरी पढ़ाई का खर्चा ही बहुत मुश्किल देते हैं, ओह मेरा जुर्माना नहीं दे सकते, कृपा करके जुर्माना माफ कर दिता जावे। इस तरह तो उन्हें पत्र लिखना है, आप दिलों लाइन बना के या फिर याद कर लियो, तुहानू लिखाए होणगे तुहाडे स्कूल विच अते जिहड़े आपां तुहानू आतो दिखावांगे जरूर याद कर लेना। इन्हां विचों कोई भी तुहाडे पेपर विच पक्का आ सकदा है। ते अगे थले लिख देना आपणे आप दा आज्ञाकारी, अपना नाम, रोल नंबर, जमात, ठीक है, थले डेट लिख देनी है। दूजा पत्र दिखा देने आपां तुहानू, दूजा पत्र हैगा म्यूनसीपल कमेटी के प्रधान नू मुहल्ले की सफाई ते गंदे पानी के प्रबंध नू सुधारन लई पत्र लिखो। सेवा विखे प्रधान साहिब म्यूनसीपल कमेटी खरड़ जिला एस जिहड़ा तुहाडा जिला श्रीमान जी लिख देना है। इस तरह शुरू करना पत्र पहलां तुहाने देखो। शनिवार बेनती है कि मैं आप दा ध्यान खरड़ तों लांडरा जाण वाली सड़क वल दिवाउणा चाहुंदा हाँ। इह सड़क दे दोवें पासे गंदगी दे ढेर नज़र आउंदे हन जिन्हां तों बीमारी फैलण दा डर बणिआ रहिंदा है। कुत्ते बिल्लियां सूर आवारा पशु इन्हां गंदियां दे गंदगी दे ढेरां नूं फरोलदे रहिंदे हन जिस नाल सड़क उत्ते भी कूड़ा करकट खिलरदा है। गंदे पानी दे निकास लई भी उचित प्रबंध नहीं है जिस कारण बरसातां दे दिनां विच गंदा पानी गलियां ते सड़कां विच भर जांदा है। श्रीमान जी मैं अपने इलाका निवासियों वालों आप नूं बेनती करदा हाँ कि छेती तो छेती कूड़ा चुकाउण दा उपराला कीता जावे। कूड़ा सुट्टण लई वड्डे वड्डे ढक्कणदार ढोल रखवाए जाण। गंदे पानी दे निकास लई नालियां ते गटरां नूं साफ करवाया जावे तां जो इलाके निवासी घातक बीमारियों तों बचे रहन। इतना धन्नवाद सहित आप दा विश्वास पत्र, नाम, अपना मकान नंबर, लांडरा रोड, इस तरह डेट लिख देनी है। तो अगर पहले भी अठवां आ जाता तुसीं देख सकदे हो कोई 5 विरोधी शब्द करो, विरोधी शब्द आ जाएंगे इन्हां विचों कोई 5 करने ने, ठीक है। इन्हां दे उत्तर भी दे देने आपां, जिवें कबूतर दा सपुत्र, उपर दा हेठां, धुप छां, घाटा वाधा, इस तरह ने, इस तरह जिहड़े तुहाडे आ जाणगे विरोधी शब्द। फिर अगे 9वें ते आ जाओ कोई 5 अशुद्ध शब्दां नूं शुद्ध करके लिखो। आपां तुहाडे लई इह सॉलिड पेपर लै के आए हां ते सारे पेपर आपां तुहाडे लई लै के आवांगे। चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ ते नाल लगी घंटी नूं भी ऑन कर दिओ। तो चलो फिर शुरू अगे दस दें आपां तुहानूं कहना, कहने दा हैगा उत्तर दे सकदे हो तुसीं कहना, इहनूं शुद्ध करके लिखना। जिवें कि इस विच दलैंकड़ पाई हुई, इस विच सिहारी आ गई, बिहारी आ गई, इस तरह सिहारी आ गई, इस तरह के बदलेंगे, शुद्ध कर लेने बस। तो अगर दसवां पलना भी आ जाता है डब्बों विच दिते शब्दों विचों कोई 5 सार्थक शब्द बनाओ। इस विच कोई भी 5 सार्थक शब्द बनाने ने, जिवें तितली, अठवीं, गर्मी, फुल, घुमियार, इस तरह के खाच दिते तुहानूं कोई भी आ सकदा इस तरह का। फिर ध्यान नाल सारे पेपर नूं एक बार जरूर तुसीं पढ़ लेना ते अपने चैनल ते तुहानूं सारे पेपर मिल जाणगे अठवीं जमात दे ते आपां बाकी होर जमातां दे भी लैके आवांगे जे तुहाडे पेपर होणगे। ते हाँ जी मित्रों, जे तुसीं अपने चैनल ते नवें आए हो चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लिओ अते नाल लगी घंटी हुंदी जिहड़ी उहनूं ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर देना। एक बार प्रेस करके उहदे बस ऑल नोटिफिकेशन कर देना ताकि अपनी वीडियो की नोटिफिकेशन जिहड़ी सब तों पहलां तुहाडे तक पहुँच जावे। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उद तक लई धन्नवाद। अते आपां नूं कमेंट करके जरूर दसना कि तुहानूं होर किहड़ा पेपर चाहिए है ते फिर आपां जल्दी तुहाडे लई लैके आवांगे फुल सॉलिड सैवल पेपर। जी हाँ जी मित्रों, जे तुहानूं पंजाबी दे होर भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए ने इस तरह के होर भी, तां वी आपां नूं कमेंट करके जरूर दस्यो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो, उद तक लई सारिआं नूं धन्नवाद।